हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर हम बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन सा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, और जब हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, अल्टर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इट रिफर्स टू कंट्रोल्ड प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, कंट्रोल हीटिंग और कूलिंग दोनों को मिला के हीट ट्रीटमेंट परफॉर्म होता है। और वाई डू वी परफॉर्म द हीट ट्रीटमेंट, ऐसा हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं जिससे आप मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, तो टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज़ परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है उनको चेंज करने के लिए, या फिर मैं बोलूँ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं एज पर पर्पज फेवरेबल बनाने के लिए, और उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट मेटल्स एंड अलॉय आर हीटेड इन वन वे और अनदर। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनकी हीटिंग परफॉर्म की जाती है, और ये जो प्रोसेस चल रहा है हीट ट्रीटमेंट का, ये आपका 100 टू 125 इयर्स में पूरी तरह से डेवलप हुआ है, जो कि हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस रिक्वायर 3 स्टेप। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, इन 3 स्टेप को आप समझ लीजिए। सबसे पहले मटेरियल को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। कितने टेम्परेचर तक हीट करना है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप हीट ट्रीटमेंट का कौन सा प्रोसेस को यूज़ कर रहे हो। सबसे पहले वो टेम्परेचर अचीव हुआ, टेम्परेचर अचीव होने के बाद उसको उसी टेम्परेचर पर कुछ समय तक रखा जाता है, इसको बोलते हैं सोकिंग टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हीटिंग द मटेरियल टू स्पेसिफिक टेम्परेचर, सोकिंग टाइम पर रखने के बाद फिर उसकी कूलिंग की जाती है। कूलिंग के भी दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ग्रेजुअल कूलिंग हो सकती है, और या फिर रैपिड कूलिंग हो सकती है, एकदम से कूलिंग की जा सकती है। तो आगे चल के आप देखेंगे इनका अलग अलग प्रोसेस का नाम होता है। यदि हम स्लोली कूलिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को अलग बोलते हैं, और रैपिड कूलिंग करते हैं तो इस प्रोसेस का कुछ और नाम होता है। तो आप देख सकते हैं सोकिंग क्या होता है, मेंटेनिंग स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। सबसे पहले आपने हीटिंग किया, हीटिंग करने के बाद उस टेम्परेचर को मेंटेन किया, तो जिस टेम्परेचर को आप मेंटेन करते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो टाइम कितना हो सकता है, फ्यू सेकेंड से लेकर 60 आवर्स तक, 60 घंटे तक का टाइम हो सकता है। इस टाइम को हम बोलते हैं सोकिंग टाइम। जिस टेम्परेचर पर किसी मटेरियल को लगातार रखा जाता है हीटिंग करने के बाद, उस टाइम को हम सोकिंग टाइम बोलते हैं। इसके बाद देख सकते हैं कूलिंग। तो कूलिंग में आप देखेंगे यहाँ पे कूलिंग एट अ सुइटेबल रेट, है ना, कूलिंग एट अ सुइटेबल रेट फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड मेथड, द मटेरियल कैन बी कूल रैपिडली। मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, मटेरियल को आप रैपिडली कूल कर सकते हैं, एकदम से स्लोली कूल कर सकते हैं फर्नेस में, ठीक है, और क्वेंच कर सकते हैं। क्वेंच का मतलब होता है रैपिडली कूल करना। क्वेंच करने के लिए जो हम मीडियम यूज़ करते हैं, मतलब आपने उसको हीटिंग किया, हीटिंग करने के बाद तुरंत या तो उसको वाटर में डाल दिया, या फिर ब्राइन सॉल्यूशन में डाल दिया, या फिर ऑयल में डाल दिया, ये कहलाता है क्वेंचिंग। और क्वेंचिंग करने से जनरली क्या होता है, हार्डनेस आपकी इंक्रीज हो जाती है और उसकी ब्रिटलनेस भी बढ़ जाती है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं हीट ट्रीटमेंट, जस्ट मिनट, तो आप देख सकते हैं हीट ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें हो रही हैं, कंट्रोल हीटिंग हो रही है, फिर सोकिंग हो रहा है, और फिर कूलिंग हो रही है। इसके बाद देखें, देर आर 5 टेक्निक्स यूज फॉर हीट ट्रीटमेंट, है ना, हीट ट्रीटमेंट के लिए 5 टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अभी जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा तो आपको पता चलेगा कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं हीट ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले नॉर्मलाइजिंग है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मलाइजिंग क्यों परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेन रिफाइनमेंट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ग्रेन रिफाइनमेंट, है ना, टू ऑब्टेन द यूनिफॉर्मिटी इन मटेरियल माइक्रोस्ट्रक्चर। तो मटेरियल के माइक्रोस्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी ऑब्टेन करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे, मटेरियल इज हीटेड टेम्परेचर अबव क्रिटिकल लाइन। ठीक है, तो यदि आपने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा है तो उसमें देखा होगा जो क्रिटिकल लाइन होती है, बेसिकली क्रिटिकल लाइन जो आपका फेराइट जोन होता है उसके ऊपर वाली लाइन होती है, और उसका जो टेम्परेचर होता है इट इज़ अराउंड 723 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, आप उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर तक हीटअप
करते हैं आयरन। देखिए यदि आपको हीट ट्रीटमेंट समझना है तो थोड़ा सा आपको आयरन कार्बन डायग्राम भी आना ज़रूरी है, क्योंकि आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है, फेराइट कहाँ पर होता है, ऑस्टेनाइट कहाँ पर होता है, डेल्टा आयरन कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजिंग हम क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर तक हीटअप करते हैं। और जिससे आपने देखा होगा कि यदि हम जो अपर क्रिटिकल से ज़्यादा टेम्परेचर तक हीटअप करेंगे तो वहाँ पे फेज़ चेंज हो जाता है। बेसिकली अपर क्रिटिकल से नीचे जो वाला फेज़ होता है वो फेराइट होता है, और उससे ज़्यादा आप हीटअप करोगे तो फेराइट किस में चेंज हो जाता है, ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, तो आपने हीटिंग की अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा, तो आपको कौन सा फेज़ मिल गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्टेनाइट फेज़ मिल गया आपको। उसके बाद आप देखिए, दिस इज देन फॉलोड बाई कूलिंग फेज इन ए स्लाइटली एजिटेटेड एयर, है ना। एजिटेटेड एयर का मतलब एयर हैविंग मोशन। तो फिर इसको ऐसा नहीं स्टिल एयर में कूलिंग करते हैं इसकी, जैसे टेम्परिंग होती है, अभी आप देखोगे तो टेम्परिंग में क्या करते हैं, स्टिल एयर में उसकी कूलिंग करते हैं। जबकि नॉर्मलाइजिंग क्या करते हैं, जो एयर जिसका मूवमेंट होगा थोड़ा, है ना, फैन वगैरह लगा के आप क्या कर रहे हैं, कूलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो कूलिंग परफॉर्म करेंगे तो ऑस्टेनाइट फिर किस में चेंज हो जाएगा, फेराइट में चेंज हो जाएगा। तो आपने एक तरह से देखा कि इनिशियली जो था उसी तरह का मिल गया, लेकिन इसमें जो माइक्रोस्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। फिर नॉर्मलाइजिंग इज टिपिकली अप्लाइड टू इनगॉट्स, जो आपके इनगॉट आते हैं मटेरियल के, बड़े बड़े पार्ट्स आते हैं उनमें परफॉर्म करते हैं, और स्टील में परफॉर्म करते हैं प्रायर टू हार्डनिंग। हार्डनिंग प्रोसेस से पहले नॉर्मलाइजिंग आप परफॉर्म करते हैं, जिससे आपका माइक्रोस्ट्रक्चर है उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाए। फिर आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजिंग से क्या होता है, आपकी हार्डनेस रिड्यूस हो जाती है। जैसे टेम्परिंग है, टेम्परिंग से भी हार्डनेस रिड्यूस होती है, और यहाँ पर भी हार्डनेस क्या होती है, रिड्यूस होती है, और डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोसेस है अनइंटेंशनली इंक्रीज हार्डनेस एंड रिड्यूस डक्टिलिटी, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने एक प्रोसेस क्वेंचिंग परफॉर्म की, तो क्वेंचिंग में क्या होगा, आपकी हार्डनेस इंक्रीज हो गई लेकिन डक्टिलिटी कम हो गई। तो उसके बाद आप नॉर्मलाइजिंग कर सकते हैं, नॉर्मलाइजिंग से क्या होगा, आपकी हार्डनेस कम हो जाएगी और डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे एनिलिंग, तो एनिलिंग प्रोसेस देख सकते हैं। इन दिस प्रोसेस मटेरियल इज हीटेड बियॉन्ड इट्स अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर वही है ऑस्टेनाइट, जिसमें आपका ऑस्टेनाइट फेज बन जाता है, ठीक है, एंड सॉक देयर। फिर क्या करते हैं, उस टेम्परेचर पे उस मटेरियल को कुछ समय तक रखा जाता है। कितने समय तक रखा जाएगा, जिस समय तक रखा जाता है उसको सॉकिंग टाइम बोलते हैं, और सॉकिंग टाइम डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, या हम बोल सकते हैं फर्नेस में, उसको एकदम से कूलिंग नहीं करते हैं, धीरे धीरे उसकी कूलिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका एनिलिंग। जबकि आप नॉर्मलाइजिंग में क्या कर रहे थे, इस नॉर्मलाइजिंग में भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हीटिंग कर रहे थे, लेकिन उसकी जो कूलिंग कर रहे थे वो एजिटेटेड एयर में परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो कूलिंग है वो एयर में ना परफॉर्म करके कंट्रोल्ड में परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, और वो फर्नेस में जनरली किया जाता है। हाँ, इस प्रोसेस को क्यों करते हैं एनिलिंग को, जो मशीनिंग वगैरह करते हैं मशीनिंग परफॉर्म करते हैं, होल वगैरह ड्रिल करते हैं, तो उससे क्या होता है, मटेरियल के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं, उन इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए आप एनिलिंग परफॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिलीविंग द इंटरनल स्ट्रेसेस, सॉफ्टनिंग एंड रिफाइनिंग ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। फिर आगे आप देख सकते हैं, दिस रिजल्टिंग चेंजेस द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब एनिलिंग की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। और इसके और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इंक्लूड इंप्रूवमेंट ऑफ द मशीनेबिलिटी, एनिलिंग से आपकी मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। ईज ऑफ कोल्ड वर्क, यदि आपको कोल्ड वर्किंग हॉट वर्किंग करना है तो कोल्ड वर्किंग आसानी से परफॉर्म हो जाता है। कोल्ड वर्किंग इसलिए आसानी से परफॉर्म हो जाता है क्योंकि आपने एनिलिंग की, एनिलिंग से उसकी डक्टिलिटी इंक्रीज हो गई, और डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो कोल्ड वर्किंग में आसानी रहेगी। इंक्रीजिंग द डायमेंशनल स्टेबिलिटी, दिस प्रोसेस यूज फॉर स्टील एंड स्टील अलॉय, स्टील और स्टील अलॉय के लिए आप एनिलिंग का यूज़ करते हैं। फिर आप देख सकते हैं सरफेस हार्डनिंग, तो इसको केस हार्डनिंग भी बोलते हैं। सरफेस हार्डनिंग का मतलब इंटरनल जो मटेरियल है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन आपने सरफेस को हार्ड बना दिया जिससे उसके ऊपर आसानी से स्क्रेच वगैरह ना आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इंक्लूड्स ओवर अ डजन ट्रीटमेंट इन विच द सरफेस ऑफ द मटेरियल इज हार्डन, क्रिएटिंग हार्ड केस वाइल द कोर रिमेन्स टफ।
है ना, सॉफ्ट कोर जैसी कि अंदर का जो मटेरियल वो जैसा का जैसा ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाली सरफेस आपकी हार्ड हो जाएगी, जिससे क्या होगा आपका बियर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और इसको आप सरफेस हार्डनिंग यूज़ करते हैं गियर में, कैम्स में, स्लीप्स में, ठीक है। और ये प्रोसेस स्टील और आयरन दोनों के लिए यूज़ होता है। उसके बाद टेम्परिंग है, तो टेम्परिंग जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परिंग में बेसिकली क्या करते हैं, फर्नेस में हीटिंग करते हैं। और इस टेम्परिंग के केस में जो हीटिंग करते हैं, जैसे आपने देखा नॉर्मलाइजिंग है, एनलिंग है, उसमें अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हीटिंग कर रहे हैं, लेकिन टेम्परिंग के केस में जो हीटिंग करते हैं वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे नीचे हीटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं डक्टिलिटी और टफनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेटल सच एज स्टील आर ऑफन हार्डर, हार्ड होते हैं लेकिन हार्ड के साथ ये ब्रिटल भी होते हैं, तो टेम्परिंग से क्या करते हैं इंटरनल स्ट्रेसेस रिड्यूस होते हैं और ब्रिटलनेस भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। इवन आप टेम्परिंग से जो आपकी हार्डनेस होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। जनरली क्या करते हैं, क्वेंचिंग जैसे आपने की, तो क्वेंचिंग से बहुत ज़्यादा हार्डनेस बढ़ गई, हार्डनेस के साथ ब्रिटलनेस भी बढ़ गई, तो क्वेंचिंग के बाद आप टेम्परिंग परफॉर्म करते हैं सो दैट उसकी जो हार्डनेस है वो भी कम हो जाए थोड़ी, और जो ब्रिटलनेस है वो ब्रिटलनेस कम हो जाए। तो सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।